See, I have a net, okay, and when I have a laser light also, then I throw this. आप पैटर्न देखना जो बनेगा ऊपर देखिए ये रेड स्पॉट ऑफ लाइट नजर आ रहा है आपको रेड स्पॉट ऑफ लाइट नजर आ रहा है ये फोटो के ऊपर देखो ठीक है इसकी दोनों साइड्स पे छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं दोनों साइड्स पे छोटे छोटे स्पॉट नजर आ रहे हैं एंड द सेंट्रल फ्रिंज मैक्सिमम ब्राइट जो सेंटर वाला फ्रिंज है सबसे ज्यादा ब्राइट है और साइड्स पे दोनों साइड पे छोटे छोटे फ्रिंजेस नजर आ रहे हैं दिस इज डिफ्रेक्शन पैटर्न ओके सम मोर स्टूडेंट्स आर कमिंग ये देखिए सेंट्रल फ्रिंज इज मैक्सिमम ब्राइट एंड ऑन बोथ साइड यू कैन सी स्मॉल स्मॉल फ्रिंजेस जो खत्म होते जा रहे हैं कुछ डिस्टेंस के बाद वो खत्म हो रहे सम मोर स्टूडेंट्स आर एंटरिंग सो लेट मी शो टू देम ऑल्सो यस गितेश ये देखिए डिफ्रेक्शन At home also you can do with this trainer, okay, with this net and a laser light. So when I throw the laser light here, आप अगर ध्यान से देखिए तो आपको एक central spot light का नजर आएगा और उसके दोनों साइड पे छोटे छोटे bright spot नजर आ रहे हैं खत्म हो और जिनकी intensity कम होती जा रही है. So this is diffraction pattern that we have observed in the daily life. ठीक है ये और कुछ नहीं ये डिफ्रेक्शन पैटर्न है राइट सो दिस वे यू कैन ऑब्जर्व डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एट होम आल्सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट सो लेट अस कंप्लीट द एक्सपेरिमेंट टुडे वी वर डूइंग दिस सो दिस इज डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट दैट डे वी डिराइव द कंडीशंस फॉर सेकेंडरी मिनिमा कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा दैट इज फॉर डार्क फ्रिंजेस कंडीशन वॉज डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा Now we are going to derive the condition for secondary maxima. So, अब example ले लेते हैं. Let d sin theta equal to अब पहले हमने even multiple लिए थे ना lambda, 2 lambda, 3 lambda, so on. Now let us take lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2. Ordered multiples ले लेते हैं lambda by 2. ठीक है? तो हम लेंगे 3 lambda by 2. Now you will ask why I have not taken lambda by 2. Yes, any student if you can answer this. Why I am not starting from lambda by 2? Why I am taking 3 lambda by 2 directly? Anyone? Anyone can answer this question? Okay, I give you one hint. What is the condition for diffraction of light? Remember that. What was the condition for diffraction of light? Kaun batayega? Yes, students, what's the condition for diffraction of light? Condition was that size of obstacle should be the of the order of wavelength of light at least. So size of obstacle, ye jo path difference hai, kam se kam lambda hona chahiye. Lambda by 2 pe to diffraction hi nahi hoga. ओके एट लैम्डा बाय टू डिफ्रेक्शन विल नॉट टेक प्लेस सो हम नेक्स्ट मल्टीपल ले लेते हैं 3 लैम्डा बाय टू सो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 3 लैम्डा बाय टू सो व्हेन इट इज 3 लैम्डा बाय टू वी कैन एज्यूम द स्लिट ए बी टू बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स सो नाउ वी विल डिवाइड द स्लिट इंटू 3 पार्ट्स ईच ऑफ
lambda by 2. We'll divide the slit into three parts, each of lambda by 2. Again, these two will have a phase difference of 180 degree, like we explained that day. कि दो पार्ट से जो वेव्स आ रही हैं, उनमें फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होगा. सो दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली एंड दिस विल नॉट गिव राइज टू एनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट. सो लाइट कमिंग फ्रॉम 1/3 पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट विल गिव राइज टू सम लाइट. सो दिस विल बी द लोकेशन ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज. इसका मतलब यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, राइट? कि जहां पे हमारी लाइट आ रही है, कैंसलेशन सारी, टोटल कैंसलेशन नहीं है. मिनिमा में आपने देखा था, व्हेन वी हैड टू पार्ट्स ऑफ लैम्डा बाय टू, देन टोटल कैंसलेशन वाज टेकिंग प्लेस. सो दैट वाज लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंज. वी कॉल्ड इट फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम. जब हमने ए बी को 2 लैम्डा लिया था तो 4 पार्ट्स थे, वो भी कैंसल आउट हो रहे थे, वो भी मिनिमम था. बट आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो पार्ट कैंसल आउट हो जाएंगे, 1/3 पार्ट विल बी स्टिल लेफ्ट. सो लाइट कमिंग फ्रॉम दिस 1/3 पार्ट will give rise to some light. So we will say this is the location of our first bright fringe. That will be called first secondary maximum. Okay? So this is our condition for first secondary maximum. This will be the condition for our first secondary minimum. And what is that condition? B sine theta is odd multiple of lambda by 2. 3 lambda by 2. तो ये हमारी इवन मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा, ये सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशंस थी. ये हमारी मैक्सिमा की कंडीशन आ रही है. अभी हमने फर्स्ट डिराइव की है, वी विल टेक वन मोर एग्जांपल नाउ. ठीक है, सो लेट अस टेक अप नेक्स्ट मल्टीपल 3, 5 लैम्डा बाय 2. लेट अस से डी साइन थीटा इज 5 लैम्डा बाय 2. नाउ वी कैन डिवाइड स्लिट ए बी इंटू 5 पार्ट्स. Okay, we can divide now it into 5 parts, each of lambda by 2. These two will not give rise to anything. These two will also lead to cancellation. Light coming from 1/5 part of wavefront will give rise to some light. So this will be the location of a bright fringe again, and we will call it second secondary maximum. Okay, this will be secondary maximum condition for that. So what is the condition for second secondary maximum? D sine theta is 5 lambda by 2. D sine theta is equal to 5 lambda by 2 here. All right. But you will observe that central fringe was maximum bright. This first secondary maximum will not be as bright as central maximum. Why? Because it is a result of intensity of light coming from only 1/3 part of the wavefront. And the second secondary maximum will still be fainter. Ye usse bhi kam bright hoga. Because it is the result of light coming from 1/5 part of the wavefront. So as we go away from central maximum on both sides, the intensity of maxima goes on decreasing. This is the biggest difference between diffraction of light and interference of light. Okay, in interference of light, all the bright fringes are of same brightness. But in diffraction of light, central fringe is maximum bright and intensity of fringes goes on decreasing as we go away from the central maximum. Center se jaise jaise dur jayenge, unki fringes ki intensity bhi कम होती जाएगी. ठीक है, तो उसके भी दो एग्जांपल लिए थे, मिनिमा के, मैक्सिमा के भी दो एग्जांपल लेके अब हम जनरलाइज कर लेते हैं. सो वी विल ऑब्टेन ब्राइट फ्रिंजेस, वी विल ऑब्टेन सेकेंडरी मैक्सिमा व्हेन डी साइन थीटा इज 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन. तो उसको आप कैसे लिखोगे? जनरलाइज करके. देयरफॉर ऑन जनरलाइजिंग कंडीशन फॉर secondary maxima is, condition for secondary maxima is d sin theta is equal to 2n plus 1 lambda by 2. And it can't be 2n minus 1 now. It can't be 2n minus 1 now.
क्योंकि अगर 2n-1 होगा तो आपका पहला जो कंडीशन है वो डी साइन थीटा लैम्डा बाय टू की आ जाएगी. हमें चाहिए पहला 3λ/2. सो व्हेन वी विल पुट एन इक्वल टू 1 हियर, ठीक है 1 हियर, तो 3λ/2 डायरेक्टली आएगा आपको. सो यू कांट राइट 2n-1 हियर, यू विल राइट 2n+1λ/2. सो सी व्हाट इज द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस इन डायफ्रेक्शन, दैट पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2. पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2. ये वही कंडीशन है जो इंटरफेरेंस में हमारी डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन थी. वेयर वी आर गेटिंग दिस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस. तो हमारी कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन इज रिवर्स. सो वी कैन हैव दीज टू पॉइंट्स ऑल्सो एज द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. वेन वी विल राइट डिफरेंसेज बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन पैटर्न, सो वी कैन मेक दीज टू सेपरेट पॉइंट्स. Is that clear? So this is your complete diffraction at a single slit experiment. Just one thing is left after this. One thing is we are also to find the width of central maximum. Conditions हमने derive कर ली, but अभी width of central maximum निकालनी बाकी हैं. But that we will do once we draw the diffraction pattern. ठीक है? जैसे हमने interference का labeled pattern draw किया था ना, same way we are going to draw labeled diffraction pattern. Okay, we are going to draw labeled diffraction pattern. So shall I rub this? So diffraction pattern ko label karte hain using these conditions. Likh lijiye heading diffraction pattern. So again, we are going to mark intensity on y-axis and path difference, क्योंकि conditions हमारी path difference वाली हैं here on x-axis. So let us draw the labeled pattern. So central fringe हमारा सबसे ज्यादा bright है और बाकी fringes की intensity कम होती जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. Like this. So intensity of maxima falls with the distance from center. So ये हमारा O point था central maximum. ठीक है, ये आपका central maximum है. This is your first secondary minimum on both sides. This is your second dark fringe, second secondary minimum on both sides and so on. Now what is the condition for secondary minima? 1λ, 2λ, 3λ तो मार्क कर देते हैं. हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम था लेमडा पे, सेकेंड था 2λ पे, देन 3λ, देन 4λ एंड सो. एंड हियर -λ, -2λ, -3λ, -4λ, -5λ एंड सो दिस वे. सो दिस इज आवर पाथ डिफरेंस ऑन एक्स एक्सिस. Let us label now the maxima also, intensity also. If intensity of central maximum is I naught, the intensity of first secondary minimum is about I naught by 61. This is still less, I naught by 28, so on. So intensity of maxima is gone falling with the distance, right? So this is labeled diffraction pattern. Now on the basis of this, we will now derive an expression for width of central maximum. But first of all, we will define what is width of central maximum. Hoti kya hai width of central maximum? Se hamara meaning kya hai? Theek hai? To dekhiye, this spreading of central maximum on both sides of center. Okay, this is called width of central maximum. Matlab central maximum kitni range mein spread hai? Usko aap kahoge width of central maximum. ठीक है, तो अगर एक साइड पे ये डिस्टेंस हम x ले लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विल बी 2x. इफ इट इज ऑन वन साइड x, देन विड्थ ऑफ
central maximum is 2L. Width of central maximum is 2x then. अब वो हम कैलकुलेट करते हैं, राइट? सो लेट अस कम टू दैट डायग्राम वंस अगेन. ये जो डायग्राम आपने बनाया हुआ था स्क्रीन पे, आपके पास तो बना पड़ा है. दिस वॉज थीटा एंड रेज वर बेंडिंग एंड मीटिंग एट पॉइंट पी. ये था O. OP was equal to X and distance between slits and screen is capital D. Size of the slit is small d. यही थी ना चीजें. I am drawing just that part. ये मैंने यही वाला part draw किया, इसके आगे बस यही था आपका. तो ये बन गया complete. ठीक है. So let us consider this right angle triangle. इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप tan थीटा लिखो तो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज x ओवर d. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. tan थीटा इज x बाय d. इज दिस इक्वेशन क्लियर टू यू? ऑल्सो लेट अस फर्स्ट डिफाइन विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम. है क्या ये? इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द स्क्रीन and first secondary minimum on both sides of central maximum. ठीक है. ये इसके और इसके बीच में distance है पर दोनों sides पे, उसको हम बोलेंगे width of central maximum. लिखिए definition. Width of central maximum W, that is it is the distance between central maximum, center of the screen मतलब central maximum ही तो है वो. It is the distance between central maximum and first secondary minimum. It is the distance between central maximum and first secondary minimum. ये first secondary minimum है, first dark fringe है ये. On both sides of central maximum. It is the distance between central maximum and first secondary minimum on both sides of central maximum. Distance between central maximum and first secondary minimum on both sides of central maximum. That is called width of central maximum. तो क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम इन्वॉल्व है डेफिनेशन में, सो लेट अस राइट द कंडीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम. फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम हमारी कंडीशन थी डी साइन थीटा इज लैम्डा. तो यहां से साइन थीटा इज लैम्डा बाय डी. फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज theta only, so we get theta from here also. So let us call this equation number 2. एक theta हमारा यहाँ से आ गया tan लगा के. For small angles उसको भी हम theta ही बोल देते हैं. For small angles theta is equal to tan theta is also equal to theta. So आपके पास equation number 1 and 2 is there for theta. For small angles tan theta is also approaching theta. And sin theta also approaches theta. Compare 1 and 2. Left hand side is same, right hand side should also be the same. So compare their left and right hand, right hand side. From here we get x, lambda d by d. So what is the width? 2x, put the value of x here. So we get the formula for width of central maximum. It is 2 lambda d by d. So, अब ये आपका diffraction over हो गया, पूरा experiment complete हो गया. We had derived the conditions for secondary maxima and minima, and also now we have derived its width. So now our diffraction at a single slit experiment is complete. So interference में we did Young's double slit experiment.
और डायफ्रेक्शन में हमने किया सिंगल स्लिट एक्सरे. सो बोथ आर कंप्लीट नाउ. आर वेव ऑप्टिक्स इज ओवर नाउ. थ्योरी ऑफ वेव ऑप्टिक्स इज कंप्लीट नाउ. ओके. सो इफ एनी लेक्चर यू हैव मिस्ड प्लीज वॉच द वीडियोस एंड कंप्लीट दिस बिकॉज नेक्स्ट वीक यू विल हैव अ टेस्ट फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स का टेस्ट आपका हो गया था, है ना. Don't ask, write the differences between interference and diffraction. Write the form of question that may be set in the boards. ठीक है, ये board में इस form में question आया था, लिखिए वो वाली form. Two identical slits, लिखिए question. Two identical slits are illuminated by a monochromatic source of light. Two identical slits are illuminated by a monochromatic source of light. Illuminated by a monochromatic source of light. Monochromatic source of light. Name the pattern obtained on the screen. Name the pattern obtained on the screen. Full stop. Name the pattern obtained on the screen. Full stop. Now one of the slits is covered with a black paper. Now one of the slits is covered with a black paper. Name the pattern now obtained on the screen. One of the slits is now covered with a paper. Name the pattern now obtained on the screen. Name the pattern now obtained on the screen. Differentiate between the two patterns. इस फॉर्म में क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन टू पैटर्न्स. तो इसमें बच्चों को जो भी लगा, कईयों को तो पता ही नहीं चल पाया कि दे आर आस्किंग डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट. पहला पैटर्न जिसमें टू स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड वो इंटरफेरेंस पैटर्न है, और जब एक ही स्लिट रह जाती है देन डायफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो जाता है, तो वो पैटर्न है डायफ्रेक्शन. दैट मीन्स दे आर आस्किंग डिफरेंसेज बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट. तो चलिए लिखते हैं डिफरेंसेज between interference and diffraction of light. First difference ka ho jayega definition ka. Chalo jaldi se suna do kya definition hai. What do you mean by interference? What do you mean by diffraction? Kaun sunayega mujhe? Yes? Kaun sunayega interference or diffraction ki definition? Mansi aap batao. What is interference of light? Mansi, would you like to tell? Yes. हाँ बताओ. Redistribution of light energy due to superposition of light waves coming from two coherent sources. Yes, very good. Interference की definition हो जाएगी redistribution of light energy due to superposition of waves coming from two coherent sources. Who will tell me the definition of diffraction of light now? Samriddhi, आप बताओगे? Diffraction. यस स्टूडेंट्स, समृद्धि बताओ डायफ्रेक्शन क्या होती है. सैटरडे को, फ्राइडे को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है इसको. डायफ्रेक्शन क्या होता है बोलो. गितेश आप बताओ. डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन टू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो. तो पहला पॉइंट हो जाएगा आपका डेफिनेशन. सेकेंड पॉइंट आप कंडीशंस का दे सकते हो. कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव या ब्राइट फ्रिंजेस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज डेल्टा एक्स इज एन लैम्डा. एंड हियर द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस इज
reverse. Condition for bright fringes is path difference d sin theta is 2n plus 1 lambda by 2. अब वो कंडीशन यहां डार्क फ्रिंजेस की थी. सो हेयर द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस वॉज डेल्टा एक्स इज 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2. वो जो कंडीशन थी वो यहां डार्क की थी और ये जो कंडीशन थी वो यहां डार्क की है. फॉर डार्क फ्रिंजेस द कंडीशन इज d sin थीटा इज n लैम्डा. फॉर दिस all the bright fringes are equally bright, intensity of bright fringes is same, all the bright fringes are equally bright. aur yahan pe aap bologe intensity of bright fringes goes on falling with distance from the center. intensity of bright fringes goes on falling with distance from the center. All the bright fringes are not equally bright. आप इतना भी लिख सकते हो. Then number of fringes usually obtained on the screen is 20 to 25. क्योंकि सबकी intensity same है, all the fringes are equally bright, so 20-25 fringes are on average seen on the screen. But since intensity of bright fringes falls off with distance very rapidly, so 7 to 8 fringes only are seen on the screen. 7-8 fringes hi dikhte hain screen pe hame. Theek hai. Next point of difference is fringe width is same almost. Kyunki iski fringe width hoti hai lambda d by d. Aur kyunki hum monochromatic light use karte hain to almost fringe width same hi rehti hai. इसमें कोई पता नहीं होता. डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस मे नॉट बी द सेम. ठीक है, बीटा मे और मे नॉट बी द सेम. बीटा मे और मे नॉट बी द सेम. सो राइट एटलीस्ट 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ पैटर्न्स आल्सो तो इंटरफेरेंस में आप रफ सा एक स्केच जल्दी से बना सकते हो कि सारे फ्रिंजेस सेम ब्राइटनेस के हैं, बस ये बताने के लिए. और इसमें आप ये बता सकते हो कि इंटेंसिटी फॉल्स ऑफ विद डिस्टेंस. ये आपका डिफ्रेक्शन पैटर्न है, वो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न है. ठीक है, तो चलिए, आवर वेव ऑप्टिक्स इज ओवर नाउ. रिवाइज दिस यूनिट. हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.